अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो अभी मैं आज सुबह सुबह उठी हूँ, तो यहाँ जो हम लोग ने कल मिट्टी बाहर मतलब मंगवाई थी वो अंदर आ रही है, और बाहर हमने मजदूर लगवाया हुआ है तो वो इधर से फेंक रहा है, तो बहुत ही मुश्किल से फेंक रहे हैं वो बाहर से। बहुत ही मुश्किल से, इस तरह होता है दीवार के ऊपर से बाजू थक जाते हैं कि वो फेंक रहे हैं। उन्होंने यहाँ से ही फेंकने कहते हैं, हम इधर से ही हूँ तो यहाँ से वो फेंकते हैं, देख सकते हैं आप। तो ये जब इधर मतलब फेंक लेंगे तो फिर इसको सारा उन्होंने सेट करना है, पूरे प्लांट में जो है ना वो ये मिट्टी को सेट करेंगे। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है, तो अभी मैं उठी थी, तो अभी आज पेंट भी करना है किचन में, मैं खुद करूँगी और मेरे साथ एक मेरा कज़न है वो करेगा, हम दोनों पेंट करेंगे खुद ही किचन में। तो ये हम लोग आ गए हैं किचन में, किचन में हम लोग कर रहे हैं पेंट, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे मैं खुद कर रही हूँ पेंट, मुझे मज़ा आता है, अच्छा लगता है, मुझे पसंद है ये पेंट वगैरह करना, तो इसलिए शौक के तौर पर कर रही हूँ। वैसे तो कज़न कर लेगा, मैं वैसे सोचा चलो नीचे जो कबर्ड है ना यहाँ पे बैठ के मैं खुद ही कर लेती हूँ, तो ना भी हो तो चल जाता है क्योंकि आगे दरवाजे लग जाने हैं, लेकिन मैं वैसे ही मैंने बोला चलो कर लेती हूँ, सफाई हो जाएगी तो इसलिए मैं कर रही हूँ। तो किचन रेडी करवा रहे हैं, आप देखते हैं जब अभी तो फुल वीडियो तब मैं अपलोड करूँगी जब हमारा फुल किचन रेडी हो जाएगा। साथ साथ अभी अपलोड कर रही हूँ कि क्या क्या हम लोग किचन में कर रहे हैं, तो लॉकडाउन हो गया था इस वजह से लेट हो गए हैं। तो अभी पहले हम लोगों ने यहाँ पर टाइल लगवाई हैं, तो अभी यहाँ पे पेंट कर रहे हैं, उसी कलर का पेंट कर रहे हैं, और अभी इसको दूसरा काम भी करवाना है, लकड़ी का काम करवाना है, वो भी करवाएंगे, वो भी दिखाऊंगे अपने ब्लॉग में, वो भी दिखाऊंगी। फिलहाल जो कर रहे हैं वो दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को। तो कैसा लग रहा है आपको हमारा काम, और मेरे हाथ देखिए, मेरे हाथ कितने ज़्यादा गंदे हो गए, मैं भी साथ पेंट में मतलब लगी हुई पेंट कर रही हूँ साथ, तो हाथ मेरे बहुत गंदे हो गए, पता नहीं अब कैसे उतरेगा। तो दोनों हाथ ही मेरे जो है ना वो बहुत ज़्यादा गंदे हो चुके हैं, तो बस शौक है, मुझे अच्छा लगता है, मुझे मज़ा आता है साथ हेल्प करवाना, वैसे भी पेंट करना, तो इसलिए मैं करवा रही हूँ। तो लास्ट टाइम हमने 3 साल पहले घर में पेंट किया था, तो मेरे हबी ने किया था और साथ में मैंने किया था, हम दोनों ने किया था, पूरे घर में किया था, हमारा 10 मरले का घर है और पूरे मतलब हमने घर में किया था, 3-4 दिन लगे थे, नीचे से मैं कर रही थी, कहीं से मैं वो मतलब कभी कहीं से कभी कहीं से मैं कर रही थी और साथ मेरे हबी कर रहे थे, हम दोनों ने किया था, बहुत मज़ा आया था मिलजुल के काम करने का। तो अभी वो वहाँ यहाँ पे नहीं है, तो उनके कज़न थे तो हालांकि बेटे, तो उनको मैंने बुलवा लिया, मैंने बोला चलो आप कर दो पेंट, तो लॉकडाउन की वजह से हम लोग किसी गैर को घर में नहीं आने दे रहे। जब ये टाइल लगवाई थी हम लोगों ने बहुत एहतियात से लगवाई थी, तो मतलब लॉकडाउन नहीं कोरोना वायरस की वजह से। तो अभी ये पेंट वगैरह यहाँ से साफ़ कर रही हूँ, थोड़ी सफाई कर दूँगी साथ साथ, उसके बाद अभी बहुत काम है, सफाइयाँ तो साथ साथ होती रहेगी। तो ये देखें आप हमारा किचन देखें कैसा लग रहा है, गंद बहुत ज़्यादा है, और अभी पेंट जो है वो कर लिया है लेकिन अभी सूखा नहीं है, कहीं से सूख गया है कहीं से अभी नहीं सूखा, तो इसलिए इसकी फाइनल लुक नहीं आ रही, तो ऐसे ही बस मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो अभी मैंने सफाई जो है वो कर ली है, वो यहाँ से जितना भी गंद लगा हुआ था सारा मैंने उतार दिया, और पेंट भी तकरीबन सूख गया है, इतना मतलब फुल अच्छा नहीं हुआ क्योंकि वो कोई मतलब कारीगर नहीं था पेंट का, उसको पेंट करना नहीं था आता, वैसे ही उसने किया है, तो इस वजह से थोड़ा सा कहीं से है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा हो गया, बहुत ही प्यारा हो गया, साफ़ हो गया और टाइलों के साथ मैच हो गया। तो अभी इसके साथ लकड़ी का काम करवाना है, वो अभी हमने डिसाइड नहीं किया कौन से कलर का करवाना है, वो जब करवाना होगा आप लोगों को बताएँगे, दिखाऊँगे अपने ब्लॉग में इंशाल्लाह ज़रूर। सही हो नाजिया। तो यहाँ पे जो सुबह मिट्टी फेंकी तो उसने सारी सेट कर दी यहाँ पे पूरे गार्डन में। तो यहाँ पे इजाज़त लेती हूँ, मेरा ब्लॉग कैसा लगा है आप लोगों को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं, दुआ में याद रखना, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।